पी चैनल होगा, रीडिंग आने पर मॉसफेट के अंदर गेट से इनमें कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए इस तरीके से, और इसमें ऐसे भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अब रीडिंग आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो पार्ट 5 आपके लिए लेके आए हैं, और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉसफेट की टेस्टिंग कैसे करेंगे प्रॉपर सही तरीके से, प्लस ये भी जानेंगे कि मॉसफेट जो है वो एन चैनल है या पी चैनल है। आप आना चाहते हैं मार्च के बैच में, 12 मार्च के बैच में आप आना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं, अभी कुछ सीटें खाली हैं। फीस हमारा 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूलकिट फ्री है। जो कोर्स 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये में होता है वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं। जो कोर्स ऑनलाइन में 10, 15, 20 हज़ार रुपये के होते हैं वही कोर्स हम आपको 3,000 रुपये में सिखा रहे हैं। दूसरी चीज़, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। फीस कम सिर्फ आपके लिए कर रखी है, जो भाई नहीं सीख पाते उनके लिए कर रखी है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से हटा दें कि फीस जो कम है तो कम सिखाते होंगे, पूरा सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस सिखाते हैं। आप हमारी जो पार्ट वाइज जो बना रहे हैं हम वीडियो, जो आपको प्ले लिस्ट बना के दी, आप इसे कंटिन्यू कमेंट करते रहेंगे तो हम भी आपको कंटिन्यू सिखाते रहेंगे। कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सबसे पहले हम लगाएंगे इसको डायोड की रेंज पे। डायोड की रेंज पे लगाने के बाद हमारे को मॉसफेट चेक करना है। तो मॉसफेट देखने में तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम वह बता रहे हैं जो आपको नॉर्मल मोबाइलों में मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर ये जो है एक मॉसफेट है। मॉसफेट जो आप देख रहे हैं इसके क्या होते हैं, इसके 3 लेग होते हैं, ठीक है। जो आप मॉसफेट जो देख रहे हैं 3 लेग होते हैं, और आप यहाँ पर देख ध्यान से देखिए इसके जो 3 लेग हैं इनको कैसे पहचाने। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसकी जो पिन है, इस पिन का जो नाम है, देखिए ये जो पिन है इसका नाम है गेट, इसका नाम है ड्रेन, इसका नाम है सोर्स, ये फिक्स है। आप अपने सामने इसको रखें, रखने के बाद इसको क्या कहेंगे, गेट, इसको ड्रेन, इसको सोर्स, इनके ये नाम है। अब इसके बाद में इनकी टेस्टिंग करने के लिए हम मदरबोर्ड में लगा मॉसफेट को चेक कर रहे हैं कि ख़राब है या ठीक है। तो देखिए मीटर के अंदर एक प्रोब होता है लाल वाला, एक होता है इसके अंदर काला तार। अब जो इसका काला वायर जो है हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए, अब जो गेट है ना, गेट से इनका कनेक्शन है, हमारा कोई इससे मतलब नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि मॉसफेट जब ये चार्ज हो जाते हैं तो हमें डिस्चार्ज करने पड़ते हैं। तो डिस्चार्ज आप इसे करेंगे कैसे, तो डिस्चार्ज करने के लिए जैसे मॉसफेट में आप 2 पॉइंट जो देख रहे हैं इनको हम इस तरीके से किसी चिमटी से या किसी से ऐसे हल्का सा ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो इसके अंदर क्या होता है जो इसकी स्विचिंग हो जाती है वो इसकी बंद हो जाती है। अब इसके बाद मीटर का लाल प्रोब आपको यहाँ पर रखना है, किस पे, देखिए यहाँ पर रखेंगे इसको, यहाँ पर रखे, रखने के बाद काली प्रोब आपको इसके सोर्स पर रखनी है, और आपको यहाँ पर देखना है कि रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखना है कि रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा रीडिंग नहीं आ रहा है, तो ड्रेन पर कौन सी प्रोब रखी है मैंने, लाल प्रोब जिसे हम कहते हैं लाल पिन, और काली वाली रखी है इसकी मैंने सोर्स पर, इस पर कोई भी रीडिंग हमको नहीं मिल रहा, इस पर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा। अब मीटर के प्रोब ना आपको पलट देना है यहाँ पे इस तरीके से, पहले जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको हम यहाँ पे पलट के अब यहाँ पे चेक करेंगे रीडिंग है या नहीं। देखिए इस पर रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मॉसफेट ख़राब है, ये मॉसफेट ओके है। अभी है कौन सा, एन चैनल है या पी चैनल है। देखिए मीटर का काला प्रोब हमने यहाँ रखा, मीटर की काली प्रोब यहाँ रखी, और लाल पिन आप यहाँ पर रखते हैं इस पर और रीडिंग आती है तो ये एन चैनल है। लाल प्रोब आप इसका यहाँ पर रखेंगे और काला प्रोब आप इसका यहाँ पर रखेंगे तो ये पी चैनल होगा, रीडिंग आने पर मॉसफेट के अंदर गेट से इनमें कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए इस तरीके से, और इसमें ऐसे भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अब रीडिंग आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये ख़राब नहीं है, ये सर्किट में लगा है इसलिए इस पर रीडिंग आती है। लेकिन प्रॉपर जो आप टेस्टिंग करेंगे इसकी, यहाँ से इसमें एक तरफ रीडिंग आएगा ड्रेन से सोर्स में,
और मीटर का लाल प्रूफ आप यहाँ रख के रीडिंग दिखाता है या काला यहाँ रख के मीटर रीडिंग दिखाता है, तो इसका मतलब है यदि यहाँ लाल पिन आती है तो ये पी चैनल, और यहाँ काली पिन रखे यहाँ पे काली पिन रख के रीडिंग आती है तो एन चैनल। कहने का मतलब है कि ड्रेन पे जो भी प्रोब रखते हैं लाल या काला और रीडिंग आता है एक साइड, वही चैनल मॉस्फेट को कहते हैं कि एन चैनल पी चैनल। दूसरी चीज़, इस मॉस्फेट के अंदर या किसी के भी अंदर यहाँ पे इनमें आपस में बीप नहीं आना चाहिए, इसमें बीप नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, वायर को फिर पलट देते हैं, ये पलट दिए, अब यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे गेट से रीडिंग आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गेट जो है हमारा ग्राउंड नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पर रीडिंग मिलेगा। तो मॉस्फेट आप एन चैनल पी चैनल को इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। अब मदरबोर्ड में कहीं भी मिल सकते हैं आपको, किसी भी जगह। तो मैं आपको यहाँ पर ना और बोर्डों में भी दिखा देता हूँ कि जो मॉस्फेट है आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारे मॉस्फेट होते हैं। तो ये कुछ मॉस्फेट आपको इस तरीके से भी दिखाई देंगे, जिन्हें हम आईसीआर कहते हैं ना, ये जो है ये मॉस्फेट ही होते हैं जो आप इस पर देख रहे हैं। ये क्या है, ये भी एक मॉस्फेट है। अब इसका जो सर्किट होता है वो इंटरनल आपको पता होना चाहिए, जब आप इनको अच्छे से चेक कर पाते हैं। अब इसके बाद में और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी मॉस्फेट है, ठीक है, ये भी मॉस्फेट है। इसके साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये भी एक मॉस्फेट है। तो ये कई तरीके के मॉस्फेट मिलते हैं, पिन के मिलते हैं, 3 पिन के, 4 पिन के, 8 पिन के, 6 पिन के, अलग अलग। तो सबके सर्किट अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो मोबाइल में जो मिलता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो आज के वीडियो में बताया गया है कि मॉस्फेट की टेस्टिंग क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। आपको नेक्स्ट पार्ट, अगला चैप्टर देखना है, समझना है, तो आप हमें कमेंट करें। हर टॉपिक, हर चीज़ आपको हम बताते रहेंगे, सारी चीज़ें। दुकान है सर, दुकान है, पर प्रेशर ही है क्योंकि काम नहीं करती थी उतना। अच्छा, इसके अंदर बैटरी सेंस की लाइन चेक कराओ, कहाँ से जा रहा है। ये लाइन है किसकी है सर? ये बैटरी सेंस। ये कहाँ से बनना है सर? ये वीवेट से। वीवेट से कहाँ जा रहा है बल्कि? सर वीवेट से ये आगे सीपीयू में जा रहा है। सीपीयू में। यदि ये लाइन ख़राब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? सर मतलब बैटरी चार्ज नहीं होती। बैटरी तो चार्ज होगी, शो नहीं करेगी, पता नहीं सर। पर मोबाइल बैटरी से ऑन नहीं होगा जी, चार्जर से ऑन होगा, बैटरी सेंस लाइन ख़राब होने से। जी।